मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारा बिजनेस डेटा और जनरल डेटा को हैंडल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है ताकि इसमें हम अपने डेटा को एंटर कर सके, एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके। इस तरीके से हम अपने डेटा की एफिशिएंट हैंडलिंग इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। इट स्टोर्स द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ये डेटा को टेबल फॉर्म में स्टोर करता है, यानी रोज और कॉलम्स में। इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। इसमें डेटा को एनालाइज किया जा सकता है जिस डेटा को हम एंटर करते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। ये एमएस ऑफिस सूट का पार्ट होता है। एंड इट इज़ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये GUI बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है। ये वो पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है जो सपोर्ट करता है कि डेटा जिसे हम एंटर करते हैं वो किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, लाइक पिक्चर्स का, ग्राफिक्स का, या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का, या फिर आपका न्यूमेरिक डेटा। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। नेक्स्ट इज वी सी फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। तो इट्स फर्स्ट फीचर इज क्रिएशन। एक्सेल के अंदर हम एक फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। वर्कशीट के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज एडिटिंग। एमएस एक्सेल के अंदर हम डेटा जिसे हम एंटर करते हैं फाइल के अंदर, उस डेटा को एडिट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट सब कर सकते हैं। तो एडिटिंग भी डेटा पर होती है एमएस एक्सेल में। इट्स नेक्स्ट फीचर इज सेविंग। जब हमारी फाइल तैयार हो जाती है तो हम उसे सेव भी कर सकते हैं किसी भी नेम से। नेक्स्ट फीचर इज प्रिंटिंग। तो हम अपनी फाइल का प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज स्पेल चेकर। इसमें स्पेल चेकर भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारी स्पेलिंग्स को चेक करता रहता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में अगर हमारा डेटा टेक्सचुअल है तो हम उस टेक्सचुअल डेटा को कलर, साइज, फॉन्ट टाइप दे सकते हैं और अपने डेटा को फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर देकर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक है तो उसमें भी हम डिफरेंट फॉर्मेट्स दे सकते हैं, जैसे कि जनरल नंबर में, कॉमाज में, या फिर करेंसीज में। तो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं डेटा पर। नेक्स्ट फीचर इज सर्च। इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस नेक्स्ट फीचर। हम पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करके उसे किसी दूसरे डेटा से रिप्लेस भी कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। इट्स नेक्स्ट फीचर इज मैक्रो। मैक्रो जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। और मैक्रो के अंदर, मैक्रो क्या होता है? इट इज़ सेट ऑफ कमांड्स जिसमें हम एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको हम बार बार प्लेबैक कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी रूटीन वर्क है, लाइक रूटीन एडिटिंग है या रूटीन फॉर्मेटिंग है जो हम जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, तो ऐसे रूटीन वर्क को हम रिकॉर्ड कर देते हैं और जब ज़रूरत हो तो उसको प्लेबैक कर लेते हैं सेट ऑफ कमांड्स में। इट्स नेक्स्ट फीचर इज सॉर्टिंग। तो एमएस एक्सेल के अंदर हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट फीचर इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या कहता है? कि हम अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं पासवर्ड्स लगाकर। इस तरीके से हम अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज फिल्टरिंग। फिल्टर अप्लाई करके जो लार्ज डेटा होता है उसमें से जितना डेटा हमने देखना है उतना देख सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करते ही सारा डेटा हाइड हो जाता है और सिर्फ उतना ही शो होता है जो फिल्टर्ड कंडीशन से मैच करता है। नेक्स्ट फीचर इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स में हम अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज ऑटो फिल डेटा। हम अपने डेटा को ऑटोमेटिकली फिल भी कर सकते हैं। जो हमारी प्री डिफाइंड सीरीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज फार्मूला। तो हम इसमें बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज भी और अदर फार्मूलाज भी।
इक्वल टू साइन लगाकर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे इक्वल टू सम, इक्वल टू प्रोडक्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को थोड़े से स्पेस में अट्रैक्टिव और फ्लेक्सिबल वे में स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे डेटा को। तो अगर बहुत सारा डेटा है और उसको थोड़े से स्पेस में हमें दिखाना है वो भी अट्रैक्टिव वे में, तो वो पाइवोट टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इसके थ्रू हम वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं और जिससे सिर्फ वैलिड डेटा ही हम वर्कशीट में एंटर कर सकेंगे। तो वैलिडेशन से क्या होता है, सिर्फ वैलिड डेटा को ही, करेक्ट डेटा को ही हम अगर एंटर कराना चाहते हैं तो हम वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इस फीचर की हेल्प से हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर इज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट डेटा क्या होता है, इससे हम मल्टीपल वर्कशीट्स के डेटा को समराइज करते हुए सिंगल वर्कशीट पर ला सकते हैं रिजल्ट्स को। तो बहुत सारी वर्कशीट के डेटा को समराइज करके एक सिंगल वर्कशीट पर लाया जा सकता है कंसोलिडेट फीचर की हेल्प से। नेक्स्ट फीचर इज व्हाट इफ एनालिसिस। तो इस फीचर को गोलसिक कमांड से किया जाता है और व्हाट इफ एनालिसिस से हम फ्यूचर रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट डेटा को देखते हुए, और इस प्रेडिक्शन से, इस भविष्यवाणी से प्रेजेंट डेटा में हम चेंज कर सकते हैं मनचाहा फ्यूचर रिजल्ट पाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एमएस एक्सेल एंड इट्स फीचर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एमएस एक्सेल को आप पूरा मेरे साथ इजी वे में सीख पाएं। और अगर आपको पूरा एमएस ऑफिस सीखना है तो वो भी बहुत ही इजी वे में, तो मुझसे जुड़ जाएं और फ्रेंड्स के बीच इस लेक्चर को इसलिए शेयर कर दें और लेक्चर को लाइक भी इसलिए कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपको बेहतरीन और इजी वीडियोस समय पर दे पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।